हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। आज हम लोग देखेंगे ऑलीवुड के कुछ क्वेश्चंस जो कि है जिसमें है आपका एक मिक्स वेरिएबल पजल एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिसलेनियस में यहाँ पे मैंने हर टॉपिक को रखने की मतलब ज़्यादातर टॉपिक जैसे कि ब्लड रिलेशन भी रखा है, डायरेक्शन भी रखा है, न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने एज अ होमवर्क में रखा है, तो और ब्लड रिलेशन का भी एक सेट रखा गया है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है आपके कम से कम दो तीन टॉपिक को मैं मिसलेनियस में लेकर आऊँ। सारे ही क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऑलिव बोर्ड की जो साइट है ज़रूर विजिट करिए। इसी के संग एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगी, आप जो ऑलिव वर्ड है उन्होंने फ्री लाइव ऑनलाइन कोर्स चला रखा है फॉर IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप लोग इनका जो फ्री कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है पूरा हिंदी में रखा गया है, आगे क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी रखा जाएगा, तो आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इंग्लिश में इसे शो करती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में गिवन है, मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ कह रहे हैं 8 बुक्स वर कीप्ड वन अबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेक। द पोजिशंस ऑफ दीज बुक्स वर नंबर एज 1 to 8 विद 1 बीइंग द लोअर मोस्ट बुक एंड 8 इज टॉप मोस्ट पोजिशन। तो आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं जो नंबर 1 है वो लोअर मोस्ट पे रहेगा, नंबर 8 जो है वो टॉप मोस्ट पे रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं द बुक्स वर अमंग स्कैरलेट, नेमेसिस, मैथिल्डा, प्रिजन, हॉन्टेड, डिमॉन्स, स्टार डस्ट एंड फैन गर्ल। ये यहाँ पे इनके बुक्स के नेम गिवन है। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे मैंने जो इनकी जो बुक की स्टेक है उनको लिख दिया है, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है मैथिल्डा वॉज प्लेस्ड एट द 7th पोजिशन एंड वॉज अबव फैन गर्ल। तो मैथिल्डा जो है वो आपका 7th पोजिशन पर आएगा। सो मैथिल्डा आपका 7th पोजिशन पर आएगा, तो इसको आप 7th पोजिशन पे लिख सकते हो। और इन्होंने ये कहा है कि एंड वॉज अबव फैन गर्ल, और ये कैसे आएगा आपका फैन गर्ल से ऊपर आएगा। अब फैन गर्ल से ऊपर आएगा इसका मतलब जो आपका फैन गर्ल है वो नीचे की ओर आएगी, और मतलब जो आपकी बुक है फैन गर्ल वो नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी यानी कि 8 नंबर पे किसका यूज नहीं होगा, आपका फैन गर्ल का यूज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो क्रॉस वाला बॉक्स होता है उसमें फैन गर्ल को लिख देंगे। उसके बाद आगे कह रहे हैं देयर वर टू बुक्स बिटवीन हॉन्टेड एंड डिमॉन्स विद द फॉर्मर बीइंग एट अ पोजिशन बिलो द लेटर। ओके, यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो बुक्स जो है वो आपकी रखी जाए, कैसे रखी जाएंगी, आपके बीच में रखी जाएंगी हॉन्टेड एंड डिमॉन्स के। और इन्होंने ये कहा है कि जो फॉर्मर है बीइंग एट अ पोजीशन बिलो द लेटर, वो कैसे रहेगा, आपका जो फॉर्मर वाला है वो नीचे रहेगा लेटर वाले के। ओके, तो लेटर वाला कौन सा है, आप देखोगे लेटर वाला है डिमॉन्स। लेटर मतलब जो बाद में आ रहा है, फॉर्मर मतलब जो पहले आ रहा है। तो डिमॉन्स जो है उसके नीचे क्या रहेगा, आपका हॉन्टेड रहेगा। तो जब डिमॉन्स एंड हॉन्टेड के बीच में आप दो का गैप दोगे तो उसमें आप डिमॉन्स को ऊपर रखोगे और हॉन्टेड को नीचे रखोगे, ये इनके कहने का यहाँ पे मतलब है। थोड़ी सी लाइन अलग है लेकिन इजी है, मतलब लाइन को बस घुमाया गया है। फिर कह रहे हैं देयर वॉज ओनली वन बुक बिटवीन मैथिल्डा एंड नेमेसिस, तो खाली एक बुक जो है वो मैथिल्डा एंड नेमेसिस के बीच में आएगी। तो मैथिल्डा कहाँ पे फिक्स है, नंबर 7 पे, तो नेमेसिस कहाँ पर आएगी, नेमेसिस आएगी नंबर 5 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा नेमेसिस। ओके, देन द प्रिजन वॉज एट ऑन एट एन ऑड पोजिशन बट नॉट 3rd। तो आपका जो प्रिजन वाली बुक है वो कहाँ पर है, वो ऑड नंबर पे है लेकिन 3rd पे नहीं है। तो ऑड नंबर पे है बट 3rd पे नहीं है, तो आप देख सकते हो जो प्रिजन है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा 1 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इसके अलावा और कोई भी आपकी ऑड पोजीशन नहीं है, बिकॉज 7 and 5 ऑलरेडी फिक्स है, 3 पे आएगा नहीं, तो रेस्ट बचा आपका 1, तो 1 पर आ जाएगा प्रिजन। फिर आगे आपका गिवन है द स्टार डस्ट वॉज एडजेसेंट टू हॉन्टेड बट नॉट द प्रिजन। तो स्टार डस्ट जो है वो एडजेसेंट है किसके, हॉन्टेड के, लेकिन प्रिजन के नहीं है। तो उसको हम लिख सकते हैं स्टार डस्ट हॉन्टेड के तो एडजेसेंट है लेकिन
प्रिजन के एडजेसेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो डिमॉन्स 1, 2 हॉन्टेड इसी तरीके से आएंगे, डिमॉन ऊपर एंड 1, 2 हॉन्टेड। तो अगर डिमॉन्स 8 नंबर पे देते हैं तो 1 एंड 2 का गैप करके हम हॉन्टेड 5 पे नहीं दे सकते हैं। अगर डिमॉन्स 6 नंबर पे देते हैं तो 1 एंड 2 का गैप करके हम हॉन्टेड 3 नंबर पे दे सकते हैं। लेकिन अगर हम डिमॉन्स को 4 नंबर पे देते हैं तो 1 एंड 2 का गैप करके हम हॉन्टेड 1 नंबर पे नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 नंबर पे क्या आएगा, डिमॉन्स आएगा एंड 1 और 2 का गैप करके यहां पर आएगा हॉन्टेड। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहे हैं स्टारडस्ट एंड हॉन्टेड ये दोनों साथ आएंगे लेकिन प्रिजन के साथ स्टारडस्ट नहीं आएगा। तो आप देखोगे स्टारडस्ट जो है वो कहां पर आएगा, सेकंड पे ना आके स्टारडस्ट आएगा 4 पे। अब लास्ट आपको बचा है फैनगल जो कि 8 पे नहीं आएगा तो वो आएगा 2 पर। और लास्ट आपका जो बचेगा वो आ जाएगा टॉप पर। तो यहाँ पर है टॉप पर कौन सा है देख लेते हैं एक बार, स्केलेट। ओके, तो ये आ जाएगा टॉप पर, राइट। तो बस यहाँ पे जो आपकी ये वाली जो लाइन थी ये थोड़ी सी घुमाने वाली लाइन थी, और ये वाली जो लाइन थी गिवन है द प्रिजन वॉज एट एन ऑड पोजिशन, सॉरी जो लास्ट वाली लाइन थी द स्टार डस्ट वॉज एडजस्ट टू हॉन्टेड बट नॉट टू द प्रिजन। तो बस ये दो लाइनें जो थी वो थोड़ी सी घुमाने वाली थी, ऐसा कुछ ज्यादा टफ भी लाइन नहीं थी। तो अगर आप अब आपने एक बार प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली ना, अगर आपका एग्जाम में छोटा सा पजल भी आता है इस लाइन पे बेस, तब भी आप उसको इजिली समझ सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब मूव करते हैं आगे की ओर। सो यहाँ पे पहले इनके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारे मिसलेनियस है उनकी तरफ मूव करेंगे। मिसलेनियस का लेवल काफी अच्छा है, सो आप उनको जो है जरूर खुद से अटेम्प्ट करें। तो स्टार डस्ट के जस्ट एबब कौन है ये आपको बताना है। सो स्टार डस्ट के जस्ट एबब है नेमेसिस, तो आपका सेकंड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी बुक्स वर प्लेस्ड बिटवीन फैनगल एंड मैथिल्डा, तो आप देखो कि फैनगल और मैथिल्डा के बीच में कितनी बुक्स हैं। तो यहाँ फैनगल है, यहाँ मैथिल्डा, 1, 2, 3, 4, तो 4 है। सो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन विच बुक वॉज प्लेस्ड एट 6th पोजिशन, तो 6th पोजिशन पे कौन है, डिमॉन्स, तो यानी कि फर्स्ट होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन विच पेयर एमंग द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो 6th नेमेसिस देखते हैं, 6th और नेमेसिस, ओके। देन थर्ड फैनगल, तो थर्ड एंड फैनगल, फिर 8 मैथिल्डा, सो 8 एंड मैथिल्डा, 2 प्रिजन, सो 2 एंड प्रिजन, ओके। देन आपका गिवन है 4 स्टारडस्ट, तो आप देखोगे 4 जो स्टारडस्ट गिवन है यहाँ पे, बाकी सब जो है उसके जस्ट नीचे वाले वेरिएबल लिए हैं, लेकिन आपका जो फोर्थ वाला है उसके जस्ट सामने वाला वेरिएबल लिया गया, इस वजह से आपका जो फिफ्थ है वो यहाँ पे ऑड होगा और वही होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। फिर कह रहे हैं ऑड कौन सा है इसमें से, अभी भी ऑड बताना है, तो देखते हैं। पहला है इन्होंने डिमॉन्स लिया है, दूसरा इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे स्कैलेट लिया है, फिर लिया है यहाँ पे फैनगर, फिर लिया है यहाँ पे मैथिल्डा, और फिर यहाँ पे लिया है स्टारडस्ट। ओके, तो सब इवन पर है एक्सेप्ट मैथिल्डा, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मैथिल्डा, वो है किस पे, ऑड पे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हिंदी एंड इंग्लिश में रखा गया है और ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड, राइट। तो आप एक बार खुद से इस जो पूरा क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मेंबर जो है वो ज्यादा है। जब मेंबर ज्यादा होते हैं तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, राइट। जब मेंबर कम होते हैं तो फिर तो आप इजिली बना लेते हो, मेंबर ज्यादा होते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन में जब मेंबर ज्यादा होते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। तो चलिए आप लोग एक बार अटेम्प्ट करिए और फिर मैं मूव करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे इसे सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर आर 10 मेंबर्स, यहाँ पे आपके 10 मेंबर्स हैं, और फिर गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे इन अ फैमिली, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ फैमिली। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 मेंबर्स हैं और यहाँ पे इक्वल आपके मेंबर हैं मेल एंड फीमेल में, मतलब यानी कि आपके 5 जो है वो फीमेल होंगे तो 5 क्या होंगे आपके, मेल होंगे। फिर गिवन है बीज ओनली सिस्टर ए हैज वन ब्रदर जे हु इज मैरिड टू आई, तो यहाँ पे कह रहे हैं बीज ओनली सिस्टर ए, ओके, बीज ओनली सिस्टर यानी कि जो ए है वो क्या है यहाँ पे, बी की ओनली सिस्टर है, और यहाँ पे कह रहे हैं ए हैज वन ब्रदर, तो ए का एक ब्रदर है। अब आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कैसे, देखो यहाँ पे ये तीनों कैसे हो गए, ये शिबलिंग्स हो गए यानी कि तीनों भाई बहन हो गए, लेकिन इसमें बी के बारे में कैसे पता चलेगा कि बी जो है वो मेल है या फीमेल है। देखो इसी लाइन से पता चलेगा कैसे, यहाँ पे कह रहे हैं बी इज ओनली सिस्टर ए, बी की जो ओनली सिस्टर है वो ए है, राइट।
फिर गिवन है ए हैज वन ब्रदर जे, ए का जो है वो एक ब्रदर है वो कौन है जे। तो जब ए का एक ब्रदर जे है यानी कि आपका जो बी है वो ए का कौन होगा, वो ए की सिस्टर होगी। ओके यहाँ पे जो ए है उसकी सिस्टर कौन होगी, बी होगी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ए हैज वन ब्रदर, ए का एक ब्रदर है, जब ए की ब्रदर है वो भी जे है तो यहाँ पे बी कौन होगा, बी उसकी सिस्टर होगी। अब आप देखो स्टेटमेंट सारे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप देखोगे तो बी इज ओनली सिस्टर है, बी की ओनली सिस्टर है ए, राइट क्योंकि इसके अलावा जो जे है वो तो उसका भाई है ना, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ये वाली भी हो रही है। फिर जे के बारे में ये कह रहे हैं जे हु इज मैरिड टू आई, जे जो कि मैरिड है आई से, तो जे मैरिड है आई से तो हम यहाँ पे आई को फीमेल दिखा देंगे। फिर गिवन है डी हु इज हस्बैंड ऑफ एच हैज थ्री चिल्ड्रन, तो डी हु इज हस्बैंड ऑफ एच हैज थ्री चिल्ड्रन, ओके उनके क्या है आपके तीन चिल्ड्रन है यहाँ पे देखोगे। ओके तो अभी हम देखेंगे डी और एच जो है उन्हें कहाँ फिक्स करना है, इससे पहले हम लोग आगे की लाइन जो है उन्हें पढ़ते हैं। गिवन है ए इज पैटर्नल आंट ऑफ ई एंड एफ, तो ए जो है वो पैटर्नल आंट है ई और एफ की, तो पैटर्नल आंट है तो आप देखोगे यहाँ पे जो ई और एफ है वो किसके चिल्ड्रन होंगे, ऑब्वियसली वो जे के होंगे, क्योंकि अगर बी के ई और एफ चिल्ड्रन होते हैं तो यहाँ पे जो आपकी ए है वो पैटर्नल नहीं वो मैटर्नल आंट हो जाएगी। पैटर्नल चाहिए यानी कि इसका जो भाई है उसके जो चिल्ड्रन है वो कौन होंगे, ई और एफ होंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे ई एंड एफ, राइट। देन आई गिवन है सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, तो सी जो है वो ब्रदर इन लॉ है ई का, तो सी जब ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का, तो आप देखोगे सी जो जैसे ही ब्रदर इन लॉ होगा तो आप देखोगे यहां पे जो ये एफ है इसके संग क्या होगा, मैरिड होगा। ओके क्योंकि आप देखोगे सी जो है वो ब्रदर इन लॉ है यानी कि ये क्या है आपका मेल है, ये मेल है तो यानी कि यहाँ पे इसकी जो शादी हुई होगी वो फीमेल से होगी, और फीमेल जो कौन होगी, ई की कौन होगी, यहाँ पे सिस्टर होगी। लेकिन एक कंडीशन जो है हम अभी रोक के चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी एक कंडीशन आपकी और बन सकती है, वो कंडीशन जो है वो इस तरीके से है कि ई जो है वो क्या हो, यहाँ पे ई यहाँ पे खुद मेल हो, इसकी एक वाइफ हो, और वाइफ होने के बाद सी जो है वो इसका भाई हो, तो अगर सी भाई होगा तब भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो कौन सी कंडीशन थी आपकी ब्रदर इन लॉ वाली, कि सी जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का, ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है अभी ब्रदर इन लॉ में, ओके कि ई की जो एक सिस्टर हो उसका यहाँ पे हस्बैंड सी हो, या फिर आपका ई की वाइफ का ब्रदर जो है वो कौन हो, सी हो, तब भी आपका ब्रदर इन लॉ जो है वो दोनों कंडीशन में बन के आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम लिख लेते हैं कि सी जो है वो क्या है, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का। ओके आगे कह रहे हैं ईच कपल हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड एंड फॉर एवरी पर्सन इधर नन और बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स आर अलाइव, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ईच कपल है उनका एक चाइल्ड तो होगा ही होगा, एंड फॉर एवरी पर्सन, और हर पर्सन का या तो पेरेंट्स नहीं होंगे उसके, या फिर उसके अगर पेरेंट्स होंगे तो मदर एंड फादर दोनों होंगे, ऐसा नहीं होगा कि खाली मदर के संग खाली जो मतलब बच्चा है उसकी खाली मदर को दिखाया गया है, फादर नहीं दिखाया है, खाली फादर को दिखाया है, मदर नहीं दिखाया है। अगर कोई चाइल्ड हम दिखा रहे हैं तो हमें कपल का चाइल्ड दिखाना है, राइट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कपल का चाइल्ड दिखाना है, अदरवाइज सिंगल पेरेंट जो है वो किसी के भी नहीं होंगे। फिर कह रहे हैं सी इज नॉट हैविंग एनी शिबलिंग्स, तो सी की जो है वो कोई भी शिबलिंग नहीं है, इसका मतलब सी जो है उसका कोई भी भाई नहीं है, कोई भी बहन नहीं है। तो अभी जो हमारी एक कंडीशन ये बन के आ रही थी कि यहां पे ये हो सकता है कि सी की जो क्या हो आपकी एक सिस्टर हो, और सिस्टर होने के संग ई जो हो वो क्या हो उसका हस्बैंड हो, और सी जो है वो क्या हो उसके ई की वाइफ का भाई हो, तब भी क्या होगा ई का ब्रदर इन लॉ यहां पे सी कहलाएगा। लेकिन यहां पे कह दिया गया है कि सी की जो है वो कोई भी शिबलिंग नहीं है, या फिर कोई भी सिस्टर या फिर ब्रदर नहीं है, तो ये यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ई का ब्रदर इन लॉ ये कैसे बनेगा, कि ई की जो यहाँ पे एफ गिवन है, कि ई का जो आपका शिवलिंग गिवन है वो कौन होगी, यहाँ पे इसकी सिस्टर होगी, और उसका हस्बैंड कौन होगा, यहाँ पे सी होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। अब देखो यहाँ पे ये कपल हो गया, तो यानी कि इनका एक चाइल्ड भी और आएगा, तो एक चाइल्ड हम बाद में देखेंगे कि ये कौन आएगा। अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि डी और एच के तीन चिल्ड्रन है, तो आप देखोगे तीन चिल्ड्रन है तो वन टू थ्री, तो यहाँ पे इसके तीन चाइल्ड है वन टू थ्री, तो आप देखोगे डी और एच जो है वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एच और यहां पर आ जाएगा डी। ओके एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो यहाँ पे नाइन पर्सन है, रेस्ट बचा है जी, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं मेल एंड फीमेल हमें कैसे देने हैं, तो यहाँ पे देखो मेल कितने हैं, वन
टू एंड तीन ही मेल हुए हैं, जबकि फीमेल 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो फीमेल हमारी 5 कंप्लीट हो चुकी है, मेल हमारे अभी 3 ही हुए हैं, तो बाकी के जो 2 बचे हैं वो कौन होंगे, यहाँ पे मेल होंगे, तो ई और जी होंगे यहाँ पे आपके मेल पर्सन। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे डायग्राम है वो बन के आएगा। अब इसके क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन सम वे, फाइंड द ऑड वन। तो आपको ऑड वन यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप देखोगे डी ई जे जी और एफ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं डी ई जी जे और एफ, इसमें ऑड वन कौन है, तो ऑड है इसमें एफ। एफ क्यों ऑड है, क्योंकि एफ फीमेल है, रेस्ट जो है वो क्या है यहाँ पे मेल है, तो यहाँ पे एफ होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर गिवन है हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो आप देखोगे डी जो है वो यहाँ पे गिवन है, एफ कहाँ पे गिवन है, एफ जो है वो यहाँ पे गिवन है, तो डी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे डी जो है वो कौन है, इसके ग्रैंडफादर है, और कैसे ग्रैंडफादर है, ये है पैटर्नल ग्रैंडफादर। ओके, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं न्यूमेरिक सीरीज पे। तो गिवन है इफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द हाईएस्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये बताना है कि जब आपका पहला और जो सेकंड डिजिट है उसे चेंज कर देंगे, तो चेंज करने के बाद आपका जो यहाँ पे हाईएस्ट है अरेंजमेंट वो कौन सा रहेगा, तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा, 583। अब आप ये सोचेंगे इतनी जल्दी कैसे करा, देखो जब सेकंड वाले को हमें चेंज करना है, सेकंड वाले को हमें आगे की ओर लेकर आना है, तो हम चेंज क्यों करें, हम खाली सेकंड वाले को ही देख लेते हैं ना कि सेकंड वाले में नंबर कौन सा सबसे बड़ा है, सेकंड वाले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 बड़ा है, तो यानी कि आपका 583 जो है वो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, बिकॉज 8 क्योंकि 8 जो है जब वो आगे आएगा तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 853। तो जब ये 853 बन जाएगा तो ये किसकी लाइन हो जाएगी, 800 की लाइन हो जाएगी, जबकि आप देखोगे बाकी इनकी जो लाइन बनेगी 400 की बनेगी, इसकी 400 की बनेगी, इसकी 600 की बनेगी, इसकी 700 की बनेगी, जबकि आपकी 583 को जब आप चेंज करोगे तो किसकी बनेगी, आपकी 800 की बनेगी, तो 853 जो है वो यहाँ पे बनकर आएगा, यही होगा आपका हाईएस्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ओरली ही आंसर निकाल सकते हो। फिर गिवन है द डिजिट सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज सेकंड लोएस्ट, तो आपको डिजिट करना है सम का, फिर बताना है सेकंड लोएस्ट वैल्यू किसकी आएगी, तो डिजिट जो है उसको उसका सम कर लीजिए, तो कितना होगा आपका, 4 और 3 7, 7 और 7 14, देन 5 और 2 7, 6 और 6 12 और 1 13। ओके, फिर यहाँ पे आप इसे प्लस करोगे तो 7 और 4 11, 11 और 8 19, फिर 5 और 3 8, 8 और 8 16, फिर 4 और 2 6, 6 और 7 13। अब यहाँ पे देखो सबसे जो मिनी 7, 8, 9, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये कहा गया है द डिजिट सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज सेकंड लोएस्ट। सॉरी, मुझे लगा ये लोएस्ट पूछ रहे हैं, तो मतलब मुझे ये लगा कि लोएस्ट तो फिर 2 आ रहे हैं, तो हम इसमें फाइंड कैसे करेंगे, एक्चुअली ये सेकंड लोएस्ट पूछ रहे हैं, तो सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, देखो ये दोनों तो लोएस्ट हो गए क्योंकि दोनों का नंबर 1 है, तो सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, सेकंड लोएस्ट होगा 14 वाला, तो यानी कि 374 जो है वो आएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे हमारा आंसर। गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द मिडल डिजिट्स ऑफ द लोएस्ट नंबर एंड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर रिस्पेक्टिवली इज, तब कोई बताना है डिफरेंस बताना है मिडल डिजिट जो कि आपका लोएस्ट नंबर है उसका, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, 247, तो यहाँ पे जो 4 है उसको लेंगे क्योंकि ये इसकी मिडल डिजिट है, और बताना है सेकेंड हाईएस्ट नंबर रिस्पेक्टिवली, तो मिडल डिजिट ही लेनी है किसकी, सेकेंड हाईएस्ट नंबर की, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 847, तो आपका सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा, सेकेंड हाईएस्ट होगा आपका 583, तो 583 का आप क्या लोगे, 8 लोगे यहाँ पे, तो यानी कि आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस कैसे बताना है, डिफरेंस आपको बताना है मिडिल डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपको जो लोएस्ट नंबर है उसमें से आपको सेकंड लोएस्ट नंबर का जो डिजिट है मिडिल वाला उसे माइनस करना है, तो अगर आप 4 में से 8 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 4, राइट, अगर आप 4 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 करेक्ट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। देन आगे गिवन है इफ ऑल द डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो अगर जो आपके डिजिट्स हैं उन्हें अरेंज करा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ये बताना है कि लोएस्ट नंबर जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा होगा, तो सबसे ईजी तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले तो इनके जो सब आपके लोएस्ट लोएस्ट नंबर है, मतलब जो लोएस्ट डिजिट है सारे ही नंबर का, उन्हें निकाल लो, तो इसका क्या है, 3 है, इसका क्या है, 2 है, इसका क्या है, 4 है, इसका क्या है, 3 है,
है, इसका क्या है, दो है। अब देखो तीन, चार और तीन, ये तो ऐसे कट गए। अब आप बाकी इन दोनों का निकालो, इन दोनों में निकालोगे तो क्या आएगा आपका, फोर आएगा, इसमें निकालोगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा। तो 25 और 24 में आपका छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली 24 वाला छोटा है, यानी कि आपका 247 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आपको सबको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका जो होता है वो अपनाओ। ओके, तो इस तरीके से आप अपना आंसर है वो करेक्ट आंसर निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन को। गिवन है टू फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट पी, तो एक कॉमन पॉइंट है पी, यहां से दोनों फ्रेंड जो है वो चलना स्टार्ट करते हैं। गिवन है वन ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द अदर ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, तो एक फ्रेंड जो है वो 6 नॉर्थ की ओर जाता है और एक जो है वो 6 कैसे जाता है आपका ईस्ट की ओर जाता है। आफ्टर विच बोथ टेक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद दोनों लेफ्ट टर्न लेते हैं, ड्राइव अनदर 6 किलोमीटर एंड स्टॉप, दोनों लेफ्ट टर्न लेते हैं, यानी कि जब ये वाला लेफ्ट टर्न लेगा तो इस साइड में चलेगा और ये वाला लेफ्ट टर्न लेगा तो ये यहां पर आ जाएगा, राइट। ये मान लो ये पर्सन है ए और ये पर्सन जो है ये कौन चल रहा है आपका, ए चल रहा है। ओके, और ये कौन सा है आपका, ये आपका बी चल रहा है इस साइड को। फिर यहां पे कह रहे हैं हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर व्हेन द टू फाइनली स्टॉप, तो बहुत इजी है, यहाँ पे ए वाला स्टॉप हुआ है और यहाँ पे बी वाला स्टॉप हुआ है, दोनों के बीच का गैप जो है कितना है, 6 किलोमीटर ये होगा, 6 किलोमीटर ये होगा, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा टोटल 12 किलोमीटर। ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकेंड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इट्स वेरी इजी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपका होमवर्क है, आप इसकी कोडिंग को पहचानिए और बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। इससे पहले वाले जो सेशन है वो जरूर देख लेना, मैंने उसे मशीन इनपुट कराया है एंड मशीन इनपुट जो है वो ज़्यादा आपका टफ भी नहीं कराया है और ज़्यादा लो भी नहीं कराया, तो उनको भी जाके आप ज़रूर व्यू कर लेना। एंड इसके बाद आपको ऑड वन आउट जो है वो फाइंड करना है, आपने देखा होगा IBPS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो कैसे पूछते हैं, यू लिख दिया जैसे कि ऐसा होता है, जी फिर आई फिर के होगा फिर एम होगा, यहाँ पे क्या करेंगे वो दो लिखेंगे, फिर यहाँ पे चार लिखेंगे, यहाँ पे आठ लिखेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे, ऐसे करके आपसे पूरी सीरीज पूछ ली जाती है। सीरीज के बाद ये बोल देते हैं कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, या फिर यहीं पर क्या लगा देते हैं वो एन के संग 8 लगा देंगे या फिर एन के संग 18 लगा देंगे, पूछेंगे इसमें से ऑड वन आउट बताओ, राइट। तो इस तरह की का आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप इनकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए खत्म करते हैं फिर हम लोग इस सेशन को, और इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको आप सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उन्हीं पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुछ प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड किया गया है जिसकी हेल्प लेके आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसे और बूस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्लेलिस्ट ऐड है एंड यहाँ पर भी कुछ प्लेलिस्ट को रखा है फॉर योर बैंक एग्जाम एंड SSC। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कभी भी नोटिफिकेशन ना मिले तो आप चैनल को जरूर विजिट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।